रेडी प्लेयर वन के ट्रेलर में जब डायरेक्टर का नाम स्क्रीन पे आता है तभी एक सॉन्ग बजता है जिसे लिखा है वैन हेलन ने जंप, और ये सॉन्ग संकेत दे रहा है कि इस ट्रेलर में हमें जंप करना है। अगर इस ट्रेलर में आप 44 सेकंड्स में जंप करते हैं तो आप देखेंगे इसमें एक कार यूज़ हुई है जो कि बैक टू द फ्यूचर में इस्तेमाल हुई है, जो संकेत दे रही है टाइम ट्रैवल के बारे में। ये कार DMC डेलोरियन एक मेजर फैक्टर है मूवी बैक टू द फ्यूचर में, सो ये सिंबलाइज कर रही है टाइम ट्रैवल डिवाइस को। रॉबर्ट ज़ेमेकिस ने डायरेक्ट की है बैक टू द फ्यूचर मूवी। लोगों का मानना है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये रियल में टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप चाहें तो रॉबर्ट ज़ेमेकिस और स्टीवन स्पिलगर के बीच के कनेक्शन को इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं। जब हम रेडी प्लेयर वन के वीडियो में 2 मिनट 21 सेकंड पे जंप करते हैं तो वहाँ पे कुछ म्यूजिकल सीरीज प्ले होती है, वही सेम म्यूजिक प्ले हुई है बैक टू द फ्यूचर मूवी में। वो म्यूजिक क्यों इस मूवी के ट्रेलर में बजती है, ये म्यूजिक और DMC डेलोरियन कार कनेक्ट करती है स्टीव स्पिलबर्ग और ज़ेमेकिस को। जब हम इस वीडियो में 1 मिनट 13 सेकंड पे जंप करते हैं तो हम देखते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ यूट्यूब फेसबुक ट्विटर में काम करने वाले लोगों जैसे हैं जो डेमोक्रेटिक ब्लू ड्रेस में हैं, मैं उन्हें ज़ॉम्बॉट कहता हूँ। ये लोग माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी वाले पीपल हैं। इन्हें बताया जाता है एक सीक्रेट प्राइस के बारे में जो इस वर्चुअल रियलिटी गेम में छुपा हुआ है। जो इस सीक्रेट प्राइस को ढूंढ लेगा उसे $500 बिलियन और ये कंपनी इनाम में मिलेगी, और साथ ही साथ वो इस वर्चुअल गेम का गॉड बन जाएगा। ये प्राइस एक ईस्टर एग है। ट्रेलर के 1 मिनट 15 सेकंड में हमें ये ईस्टर एग देखने को मिलता है। ये ईस्टर एग जिस बिल्डिंग में रखा हुआ है वो दिखने में एक चर्च जैसा लगता है। ये संकेत दे रहा है वर्शिपिंग की। ईस्टर एग का क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है। ईस्टर एग हमें संकेत दे रहा है पैगान गॉडेसेस ईस्थर के वर्शिप की। ईस्टर एग और पैगान गॉडेसेस ईस्थर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहे तो देख सकते हो। आप ईस्थर गॉडेसेस की पिक को ध्यान से देखें और अब इस पिक्चर को देखें। क्या आपको इनमें कोई सिमिलैरिटी नज़र आ रही है? इस तस्वीर में जो दो उल्लू हैं वो पैगान गॉड मोलेक, जिसका दूसरा नाम बाल है, जिसे जाना जाता है चाइल्ड सेक्रीफाइस के लिए। अभी ये बात जाहिर है कि कोलंबिया ईस्थर का ही दूसरा नाम है। उल्लू और ये ईस्टर एग सिंबलाइज करते हैं चाइल्ड सेक्रीफाइस गॉड बाल को। अभी ये जाहिर है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया Washington DC हकीकत में डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्थर Washington DI है। ट्रेलर के शुरू के 17 सेकंड में हमें पता चलता है ये पूरी फिल्म, ये पूरी कहानी कोलंबिया ओहायो में यानी ईस्थर में चल रही है। ये मूवी एक मैजिक स्पेल है जो डेडिकेटेड है ईस्थर के रिचुअल वर्शिप पे। अब ये तो जाहिर है कि स्टीवन स्पिलबर्ग का धर्म क्या है और ज़्यादातर सेलिब्रिटी का क्या धर्म है और ज़्यादातर हाईटेक इंडस्ट्री वालों का क्या धर्म है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ इस मूवी के ट्रेलर को देखना ना भूलें और साथ ही साथ जो लिंक्स मैंने डिटेल में प्रोवाइड किया है उसे भी चेक करें। इस फिल्म के बारे में और भी बातें मैं करूँ, तब तक के लिए टेक केयर। आपसे